पत्र। मैं लतागिरी, धर्मपत्नी धर्मेंद्रगिरी, उत्तम नगर, नई दिल्ली। मेरी 10 साल की बेटी के बाद संतान का सुख नहीं हुआ। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम्हें संतान नहीं होगी, पर आपकी कथा टीवी के माध्यम से सुनी। आपने कहा था, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर है। उसी समय पर आपका 2022 का रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा था, हम उसमें चले गए और हमने वहां पर कंकर शंकर की पूजन करी, एक रुद्राक्ष लिया। वहां से आने के बाद हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया। एक व्रत करने पर हमें उसका फल नहीं मिला, हो सकता है हमारी पूजन में कोई कमी रह गई हो। फिर हमने दूसरी बार व्रत किया और जैसा जैसा आपने व्रत में बताया था वो हमने किया। आज बाबा की कृपा, दुनिया के लोग ताना मारते थे कि 10 साल की बेटी हो गई, अब क्या संतान होगी, क्या औलाद होगी, मेरे गर्भ से क्या मुझे बेटा नहीं हो सकता, पुत्र नहीं हो सकता। गुरुदेव, आपने कहा है कोई व्रत करो, आराधना करो, पर बाबा के भरोसे कर लो। और बाबा कभी भी खाली नहीं रखता, देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। और मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, मैंने 4 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, 4 बार प्रयोग करने पर भी मेरा गर्भ नहीं ठहरा, पर आपके वचन कभी झूठे नहीं हो सकते, इसलिए मैंने 5वीं बार फिर जड़ बांध दी। और 5वीं बार जड़ बांध दी तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे गर्भ से 2 बेटों ने जन्म लिया। मेरे गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया, मैं दोनों को यहां लेकर आई हूं, बाबा को प्रणाम। एक बार दोनों के लिए बहुत बहुत साधु था। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपको शिव कृपा। अरे लुटा दिया प्यार का शिवर ने कर दिया मार का शिवर ने। एक निवेदन करना चाहते हैं आप लोग, अगर